हमीरपुर के जनपद के राठ कस्बा स्थित एक निजी नर्सिंग होम में चिकित्सकों की लापरवाही से प्रसव के दौरान प्रसूता की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ितों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। कलयुग के भगवान कहे जाने वाले चिकित्सक रुपयों के लालच में मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के राठ कस्बा स्थित कान्हा नर्सिंग होम का बताया जा रहा है, जहाँ सरीला तहसील क्षेत्र के हरसुंडी गाँव की प्रसूता आरती को परिजनों ने प्रसव के लिए हमीरपुर रोड स्थित नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है, जब प्रसूता को भर्ती कराया तब वह स्वस्थ थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है, प्रसव के बाद से रक्त स्राव नहीं रुक रहा और प्रसूता की हालत गंभीर बनी हुई है। क्या नाम है आपका और क्या घटना हो गई है? मेरा नाम राहुल राजपूत है, हमारे सुड़ी के रहने वाले हैं। हमारी यहाँ डिलीवरी थी भाभी की, तो हम लोग GS कान्हा हॉस्पिटल में लाए थे। ये राठ में है, हमीरपुर रोड में है। तो इन्होंने हमसे डिमांड की थी पैसे की, बराबर पैसे देते जा रहे हैं। ब्लड कम बोले, ब्लड 11.4 ब्लड था, अब बोले कि 3 ब्लड बचा है। हमने 2 बोतलें ब्लड भी मंगवा के दे दिया है। ये बराबर पैसे की डिमांड कर रहे हैं, 50,000 दे चुके हैं, इसके बावजूद भी हमसे 1,00,000 डिमांड कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर पैसे नहीं दोगे तो अपना मरीज ले जाइए, अन्यथा आप हमें 1,00,000 रुपये की और दीजिए। सर हमने यहाँ से ऑपरेशन कराया था और 50,000 रुपये धीरे धीरे जमा कर दिए हैं। 1,50,000 की मांग की थी, कह रहे थे अगर 1,00,000 नहीं दोगी तो निकल जाओ। हमें 3 रात से ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की जा रही है और ब्लड भी वहाँ 11 था और ये लोग बता रहे 3 है। हमसे ब्लड की मांग की, हमने 2 बोतलें ब्लड चढ़वा दिया, फिर भी नाइट में बोले ब्लड की और ज़रूरत है। हमने कहा सर और मंगा लो, हम पैसे दे देंगे। बोले आप 1,00,000 नगद जमा कीजिए, हमने 50,000 कर दिए, 1,50,000 की मांग थी, नहीं तो कह रहे थे आप हमारी हॉस्पिटल से निकल जाएंगे। किस लिए आए थे? परेशानी क्या है? परेशानी पूरी शरीर में, बॉडी में स्वेलिंग है, बराबर ब्लीडिंग हो रही है। हमने कहा है बोले वो केस हमसे बिगड़ चुका है, बोले अब हमारी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। डिलीवरी के लिए लाए थे? डिलीवरी के लिए ले आए थे और बोले थे हमने ठेका ले लिया है, आप इतने पैसे दे देना। अब बराबर डिमांड पैसे की हो रही है। बराबर पैसों में ठेका लिया था? पैसों में लिया था, 30,000 में लिया था। हम लोग धीरे धीरे करके 50,000 दे चुके हैं, अब उन्होंने हमसे 1,00,000 रुपये की और डिमांड की है। कौन सा अस्पताल है ये? GS कान्हा डॉक्टर कुलदीप राजपूत। कहाँ पर है ये? मस्करा रोड में है, पेट्रोल पंप के सामने, राठ में। क्या चाहते हैं आप? सर हम ये चाहते हैं कि हमें निर्णय मिले। हमने उनसे कहा था सर आपने ये डिमांड क्यों की, आपने ठेका दिया था तो पूरा ठीक करके दीजिए ना मरीज को। प्रसूता की हालत कैसी है? बहुत ही गंभीर है, बोले 1-2 के अंदर चाहे जहाँ ले जाओ आप, यहाँ से ले जाइए मेरे हॉस्पिटल से, और बराबर नहीं तो कह रही 1,00,000 रुपये और दीजिए हम ठीक करेंगे। बराबर ब्लीडिंग हो रही है और उन्होंने 26 बाद तो कम से कम देखा था, डॉक्टर नाइट में कभी रहते नहीं।